लॉकडाउन तो लग ही गया है, वो तो ओवरऑल प्रॉब्लम चल रहा है. दिस अनदर प्रॉब्लम विच इज़ स्पेसिफिक टू माय लोकेशन, वो है बिजली. आजकल यहाँ पर ना इतनी ज़्यादा लाइट जा रही है ना कि एक बार जाती है तो 3-4 घंटे से घंटे के पहले आती नहीं है. एंड दैट इज़ वॉट हैज़ हैपेंड राइट नाउ. 10 बजे के आसपास लाइट गई है, इट्स 10:30 हो गई है, इट्स 12 o'clock नाउ एंड नो इलेक्ट्रिसिटी, और मैं बस पड़ा हुआ हूँ ऐसे ही. ऑल्सो इफ़ यू वंडरिंग हाउ इज़ माई कैमरा वर्किंग, वेल ग्लास टूटा था, लेंस नहीं, तो मैंने ग्लास को ही निकाल दिया, उखाड़ उखाड़ के टुकड़े कर करके उसका पूरा सब शैटर्ड पीसेस से निकाल दिया है. लेंस इज़ नाउ क्लीन बट इट्स ऑल्सो वाइड ओपन, तो अगर उस पर कुछ स्क्रैच आ जाता है, डस्ट लग जाता है, तो मेरा कैमरा परमानेंटली गॉन. सेकेंड थिंग, जो ग्लास मुझे नहीं मिल रहा था कैमरा का, मैं पूरा MG रोड घूमा था, आई थिंक सेकेंड लास्ट व्लॉग में, कहीं नहीं मिला, 3-4 शॉप्स ढूंढे, ऑनलाइन नहीं मिल रहा था मुझे. वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स, आई ऑनेस्टली डोंट रिमेंबर हिज नेम, मैं नाट नीचे डाल देता हूँ भाई, सो ही टेक्स्टेड मी एंड ही सेंट मी अ लिंक, और वो लिंक था मेरे कैमरा के ग्लास का, जो रिप्लेसमेंट में इतने देर से ढूंढ रहा था, कहीं मुझे मिल नहीं रहा था, तो उसको लिंक मिल गया था. अब मैंने एक्साइटमेंट में वो लिंक पर क्लिक किया एंड ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश की, ऑर्डर प्लेस ही नहीं हो रहा था. तो वहाँ पर आ रहा था आउट ऑफ स्टॉक फॉर दिस पिन कोड, आउट ऑफ स्टॉक फॉर दिस पिन कोड. तो मुझे लगा कोई दोस्त के पिन कोड पे भेजता हूँ दूसरे एरिया में तो आ जाएगा. तो 2-3 एरियाज मैंने ट्राई किया, हर जगह पे आउट ऑफ पिन कोड आया, आउट ऑफ स्टॉक फॉर दिस पिन कोड आया. देन आई रियलाइज्ड कि जो दिन वो लिंक मुझे भेजा था उसने, वही दिन से लॉकडाउन शुरू होने वाला था, दैट इज 15th of April, एंड ऑनलाइन डिलीवरीज हैव बीन स्टॉप्ड, तो वो मेरा कैंसिल हो गया. ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ. ਐਂਡ ਅਬਾਊਟ ਹੋਪ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸਲੀਪਿੰਗ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮਸ, ਬਟ ਉਸਕੀ ਵਾਕ ਚਾਲੂ ਹੀ ਹੈ ਅਭੀ ਤੱਕ, 2 hours, 1 hour ਇਨ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ, 1 hour ਇਨ ਦ ਈਵਨਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਪਰ ਇਸੇ ਲੈ ਜਾਤਾ ਹੂੰ ਵਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਬਲਿਕ ਸਪੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਗਜੈਕਟਲੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ, ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟਸ ਫਾਰਮ ਲੈਂਡ, ਸੋ ਇਸਕਾ ਵਾਕ ਤੋ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਲ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਨੇ ਕੋ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਤਾ ਹੈ ਮੁਝੇ. ਲਾਈਟ ਤੋ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇ ਲੀਏ, ਔਰ ਮੁਝੇ ਭੂਖ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ब्रेड, मैं ब्रेड का नाम कैसे भूल सकता हूँ यार. हाँ, वी हैव ब्रेड ओवर हियर, वी हैव एग स्क्रैम्बल्स विथ मिक्स वेजिटेबल्स एंड वी हैव सम मेयो एंड स्टफ इन द फ्रिज, तो लेट्स मेक अ सैंडविच. जो जो भी स्टेट्स में अभी तक लॉकडाउन नहीं हुआ है, एक एडवाइस है, लॉकडाउन होने के पहले बाल काट लो अपने, अपना ग्रूमिंग वगैरह सब कर लो, बाद में इतनी मुसीबत हो जाती है ना. यहाँ पे ये पूरा बुश आ गया है मेरे टकले पे, और ऊपर से इतनी गर्मी चल रही है, एंड इफ आई शैम्पू इट, ये इधर तक आ जाता है ना, देन आई कांट सी एनीथिंग. सो कट योर हेयर, अगर लॉकडाउन अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है आपके एरिया में, यू आर लकी, गो टू द बार्बर, ग्रूम योर सेल्फ एंड देन कम होम एंड सिट डाउन, ओके. आई हैव केचप, आई हैव मेयोनीज एंड आई हैव चीज ब्लेंड, सो इसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है मुझे पता नहीं है, रैंडमली या तो तीनों ही डाल देंगे हम, देखते हैं. अर्लियर आई वॉज प्लानिंग ऑन मेकिंग अ ग्रिल सैंडविच, बट मुझे पता नहीं है कि हम लोगों के पास वो ग्रिल है या नहीं है, बट आई थिंक नहीं है, या है एक बार पूछ लेता हूँ, आई विल कंफर्म इट, बिकॉज ग्रिल सैंडविच इज वे बेटर देन रेगुलर सैंडविच. गुड न्यूज, आई हैव फाउंड इट, बट इसको धोना पड़ेगा, काफी हफ्तों महीनों से यूज नहीं किया है किसी ने, आई विल वॉश इट फर्स्ट, बट नाउ वी कैन मेक ग्रिल सैंडविच. अबे यार, ये क्या है, ये क्या सैंडविच है, ये क्या स्लाइस है यार. नॉट ओनली वन, दिस अनदर वन एंड दिस अनदर वन, टोटल 3 स्लाइसेस विथ इतना बड़ा छेद, इसमें से मेरा पूरा भुर्जी निकल जाएगा, सब भाजी बिजी इससे गिर जाएगा, मैं इसको यूज नहीं कर सकता हूँ. शी नॉनसेंस. She thinks I'm making something for her. See, थोड़ा messy and untidy होने वाला है. I'm not a good cook, but I will try my best. Problem ये भी है कि ये जो bread है,
ये इतना ज्यादा टेंडर है कि वो इजिली टूट रहा है. इट्स नॉट इवन बासी ब्रेड, इट्स फ्रेश ब्रेड बट इट्स सॉफ्ट. बट आई विल स्टिल ट्राई माई बेस्ट, जज मत करो. I'll tell you guys a secret. This is the first time I'm actually making a grill sandwich. Usually mom banati hai. मैं अपना तवे पे ब्रेड गरम करके खा लेता हूँ, बट ये यूज़ करके पहली बार मैं बना रहा हूँ. तो ये कैसा बनने वाला है मुझे नहीं पता. अगर अच्छा बनेगा, शेफ रॉन, शेफ रॉन कॉम का भी एक चैनल खोलूँगा फिर मैं. हम उसके ऊपर कुकिंग वीडियोज़ बनाएंगे सिर्फ. This is my first ever grilled sandwich. It's got a perfect golden crust. एकदम brown brown texture भी आया अच्छे से. हाँ, दूसरा side थोड़ा ज़्यादा brown हो गया है. हल्का सा शायद से. Say hi to Chef Ronnie. आज से बस cooking ही करूँगा मैं every alternate day, maybe. But yeah, ये. Another good news, light आ गई है. As soon as I got done with my second grill sandwich, light आ गई. And now I can resume with my other work, online जो काम होता है. Second thing, जो मैंने videos जो edit करने थे, 78, 79 videos for the gym, that is done, finally. वो हो जाना चाहिए था actually 1 week के अंदर. मुझे 10 दिन के आसपास लग गए क्योंकि मैंने थोड़ा सा procrastinate किया. थोड़ा सा, it's human nature, okay? You get irritated and bored doing the same thing, तो थोड़ा थोड़ा delay कर लेते हैं. But anyway, Hope is sitting here thinking that she's gonna get the sandwich, but you are not. I need to talk to you guys about something as well. So let's begin. Lol, when I said I need to talk to you guys, मुझे एक बहुत parent वाला feel आया, या एक boyfriend वाला feel आया, या कोई भी XYZ वाला feel आया, authority figure. क्योंकि usually लोग बोलते हैं I need to talk to you and लोगों की फट जाती है, धक धक होता है कि क्या बात चल रही है. But ऐसा कुछ नहीं है. I'm just on com. I'm chill with you guys. I'm chill with everyone. The thing is, let me have a bite first. I'm hungry. The sandwich is pretty good, man. It's pretty good. शायद से दूसरा चैनल पक्का स्टार्ट करूंगा अभी मैं. Anyway, मुद्दे की बात. Recently, मैंने एक वीडियो डाला था. You get scared, you lose. Challenge. 10 बार गिर रहा है पूरा अंदर का, मैंने रख ही दिया. Yeah, so that video, it did not get many views, but जिन्होंने भी देखा उनका काफी positive feedback था. They told me कि it was very entertaining, keep making more such videos. The thing is, I will make more such videos, but you have to keep another thing in mind that मैं ज़्यादा बाहर नहीं जा सकता हूँ, इसलिए vlogs अभी ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ मैं. It's a different thing if it's something important that I have to go out, but casually अगर बाहर जाके मैं vlogging करना शुरू करूँगा ऐसे माहौल में, it would be really stupid. I'm not saying that you know I am exactly disappointed or really sad that ki itne views aate nahi hai, aisi koi baat nahi hai, but I just wanted to tell you guys, if you guys are here only for the vlogs, because I understand main other vlogs hi post karta hu, so if says something different, some different genre, some different category video, you guys probably don't watch it, and it's fair enough, it's understandable, kyunki aap log aaye ho koi aur cheez se aur ye koi aur content hai, but give it a try at least. And you never know, if you watch it, you might just like it and you might even want more such videos. क्योंकि facecam videos तो अभी और आने वाले हैं. So yeah, I just wanted to tell you guys, give it a try. क्योंकि वो जो videos होते हैं ना मेरे different type के videos, वो ऐसा kind of ignore हो जाते हैं, segregate हो जाते हैं बाजू में. फिर थोड़ा सा बुरा लगता है कि इसको इतना attention क्यों नहीं आ रहा है. So that's all I'm gonna say.
give those videos a try as well. It's the same guy, it's the same Ronnie D'Souza roncom/ making the video, the guy in the video. तो देख लो, थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि स्मॉल क्रिएटर्स एक्चुअली यू नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू ग्रो ऑन यूट्यूब, बिलीव मी. एंड आई पोस्टेड ओवर 100 वीडियोस, विच इज काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग, क्योंकि यूजुअली 100 वीडियोस किसी ने अगर पोस्ट किए हैं, उनका सब काउंट जो होता है वो 100K के आसपास होता ही है ऑन एन एवरेज. और मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि ऐसा है, इतने वीडियोस डाल के भी इतना नहीं है. इट्स एम्बैरेसिंग बट इट्स फनी. कोई बात नहीं, आई स्टिल लव अपलोडिंग. जो अगर 100 लोग भी देख रहे तो उनके लिए मैं अपलोड करूंगा. बट या, दैट वॉज माई होल मोटिव. गिव इट अ ट्राई, इट विल हेल्प मी पोस्ट मोर वीडियोज. अदरवाइज आई जस्ट कीप मेकिंग ग्रिल सैंडविचेस एंड स्लीप ऑफ, विच इज प्रीटी बोरिंग. वर्षों को मैंने एक सैम्पल वीडियो भेजा उसका फीडबैक पूछने के लिए, एंड आई कॉल्ड हर कैजुअली. मैंने पूछा कौन बोल रहा है मजाक मजाक में. यू हर्ड हर रिप्लाई. हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, देखने देगा वीडियो मुझे. कौन बोल रहा है? तेरी माँ. अबे क्या बेशरम. ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ. ਮਾਈ ਐਕਚੁਅਲ ਮੋਮ ਵਾਚਿਸ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਸੋ ਵਰਸ਼ਾ ਯੂ ਆਰ ਕਾਟ ਰੈਡ ਹੈਂਡਡ. ਅਬ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦੇ ਮੋਮ ਕੋ, ਫਿਰ ਕਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਅਬ. ਐਨੀਵੇ ਗਾਈਸ, ਮਾਈ ਸੈਂਡਵਿਚ ਇਜ਼ ਓਵਰ, ਸੋ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੀਡੀਓ. ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਯਾਰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੇਫ ਰਹੋ. ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬਿਮਾਰ ਪੜ ਰਹੇ ਹੈ. ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਐਂਡ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ. Ron, wait for Ron Chef channel, Roncom Chef /D'Souza. I don't know. Goodbye.